कल मैंने अखिलेश यादव को ईवीएम विरोधी बयान देते हुए सुना, तब मुझे याद आया कि मैंने अखिलेश यादव को सलाह दिया था जब मेरी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। उस समय मुझे वो सलाह याद आई। आज अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं और अकेले चिल्ला रहे हैं। कोई ईवीएम विरोधी लड़ाई लड़ने वाले लोग उनके साथ में नहीं है। मैंने प्रस्ताव दिया था, मगर मैंने प्रस्ताव दिया था मगर आखिर मैंने प्रस्ताव दिया था मगर अखिलेश के मुस्लिम सलाहकारों ने जो समाजवादी के अंदर के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, उन्होंने हमारे गठबंधन को सैबोटेज करने का, तोड़फोड़ करने का काम किया, गठबंधन होने नहीं दिया। अब कह रहे हैं लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ये लोकतंत्र की लड़ाई की, लोकतंत्र के बचाव की लड़ाई है। मैंने कहा था कि इसके लिए बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। मगर मेरी बात को यानी गठबंधन को सैबोटेज किया गया और इस वजह से अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है। यदि अखिलेश यादव को इस संकट की घड़ी में मेरा साथ चाहिए तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमें जॉइंट स्टेटमेंट और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना होगा। जो पहले तय हुआ था अब दोबारा हो सकता है। उस समय मैंने यह सलाह दिया था, उस समय उनके सलाहकारों ने इसे सैबोटेज किया, मगर अब यह हो सकता है। मगर मैं ये बात उनके मर्जी पर छोड़ देता हूं। वो इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये बात मैं उनके मर्जी पर छोड़ देता हूं। मैंने पहले ही ईवीएम के विरोध में 8 तारीख को देशव्यापी भारतव्यापी बंद घोषित कर दिया है, यानी हमारी लड़ाई जारी है, हमारी जंग जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी लड़ाई जारी है, और ये लड़ाई जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक ये ईवीएम का घोटाला समाप्त नहीं होता,
तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। मैं पहले ही पहले से जानता था कि प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि चुनाव के बाद ये लोग ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे। अमित शाह ने यह बयान दिया, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टरों ने बयान दिया, मुख्यमंत्री ने बयान दिया, डिप्टी सीएम ने बयान दिया, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट ने बयान दिया। तभी मैं समझ गया था कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम का घोटाला होने वाला है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ईवीएम के बारे में, मेरे से ज्यादा कोई जानता नहीं है। और जब मैंने एग्जिट पोल के रिजल्ट को देखा, टीवी पर देखा, एग्जिट पोल के रिजल्ट को टीवी पर देखा, देखने के बाद मैं 200% कंफर्म हो गया कि ईवीएम में घोटाला होने वाला है। मेरी ये राय क्यों बनी? क्योंकि घोटाला होने के पहले जनता की, बीजेपी जीत रही है, ये राय बनाना जरूरी है। और ये राय बनाने के लिए लगभग सभी मीडिया के लोगों ने बीजेपी को जीतते हुए दिखाया। किसी ने कम सीटें और किसी ने ज्यादा सीटें, मगर किसी ने भी बीजेपी हार रही है ये नहीं दिखाया। इवन एनडीटीवी ने भी नहीं दिखाया। जो एनडीटीवी के लोग ये कहते हैं कि वो निष्पक्ष है, मगर मुझे ये जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मीडिया को मैनेजमेंट करने के लिए बीजेपी ने 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और इन लोगों की जो खबरें, स्टेटमेंट छपकर आते थे, वो सारे के सारे पेड न्यूज थे। मैं ये उसी समय समझ रहा था। तो देश में मीडिया के लोग, नेशनल मीडिया के लोग संविधान और लोकतंत्र के विरोध में देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इन लोगों का भी बंदोबस्त करना होगा और आने वाले समय में इन लोगों का बंदोबस्त करने के लिए भी मैं राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान करता हूं। ये करना होगा किसी न किसी को। मैं जानता हूं इसमें अखिलेश यादव सामने आने वाले नहीं है, मगर चूंकि संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मामला है और हम जंगे मैदान में है, तो यह लड़ाई हम लोग पूरे ताकत से, पूरे शक्ति से लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक ईवीएम का घोटाला बंद नहीं होता। और पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग नहीं होती, मैचिंग करने का जो जजमेंट दिया गया, चीफ जस्टिस ने, जिस चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया, रंजन गोगोई ने, उसके खिलाफ एक औरत के चरित्र हनन का मामला प्लानिंग बनाकर खड़ा किया गया और वो निर्णय षड्यंत्र के तहत दिया गया था। ये मैं जानता हूं, सारे सबूत है। इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि मैचिंग से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। केवल रिकाउंटिंग करने के आदेश से और उसके अमल से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग भारत सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है।
चुनाव आयोग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए काम नहीं कर रहा है। मैं इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मांग करता हूं कि हर चुनाव में 3 जजेस का पैनल चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन करने के लिए बनाया जाए। और यह केस भी मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा, आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए भी भारत बंद करने का ऐलान हम लोग करेंगे, मगर पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जाऊंगा। और अगर ये बात संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बातों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पहल नहीं करता है तो फिर जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए मैं जाऊंगा। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करने वाले लोग हैं, इसलिए फतेह हासिल होने तक, विजय हासिल होने तक यह जंग जारी रहेगी। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।